स्विगी के आईपीओ में अप्लाई करें कि ना करें। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सिर्फ ये आईपीओ नहीं बाकी सब आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ के बारे में जरा कुछ डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन से वाले आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, कौन से वाले आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। मेरी सुन के या किसी और की सुन के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी और की सुन के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको शेयर बाजार की ज्यादा जानकारी नहीं है। आईपीओ में अप्लाई करना है पर अगर वो अच्छा आईपीओ है तो। आईपीओ का मतलब है इनिशियल बिजनेस ऑफर, मतलब कंपनी आपसे पैसा ले रही है ताकि वो अपना बिजनेस आगे कर सके। पहले हम लोग जरा स्विगी को देख लेते हैं। दो मेजर प्लेयर हैं इस फील्ड में, एक है जोमैटो और एक है स्विगी। जोमैटो का मार्केट कैप है 2,22,000 करोड़ और अभी ये साल ही वो कंपनी थोड़े प्रॉफिट में आई है, वो 5-6 साल से लॉस में चल रही है। स्विगी का मार्केट कैप है 87,000 करोड़ और ये कंपनी अभी भी लॉसेस में ही चल रही है, प्रॉफिट के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। और ये कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी नेगेटिव है, इसकी जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी नेगेटिव है, इसका जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो -35 है। तो अभी आईपीओ क्यों लाया जा रहा है? आईपीओ हमेशा ऐसी महंगी कंपनियों के इसलिए लाए जाते हैं ताकि जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स है उनको एग्जिट मिले। अब सोचो उन्होंने तो कौड़ियों के दाम किया था और अभी आपको वो सस्ता बेचेंगे कि महंगा बेचेंगे? सबसे ज्यादा महंगा बेचेंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे जैसे जोमैटो में मिले थे, पर लिस्टिंग गेन तब मिलते हैं जब मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश होता है। अभी तो मार्केट का सेंटिमेंट बिल्कुल भी बुलिश नहीं, निफ्टी ऑलमोस्ट 8% नीचे आ गया। FIIs ने सिर्फ ये महीने में 1,03,000 करोड़ रुपए हमारे मार्केट से निकाल लिए और मार्केट सिर्फ नीचे ही जाने की तैयारी में है। आजकल तो लोगों को आईपीओ का बहुत ज्यादा क्रेज भी नहीं बचा है, बहुत कम लोग मुझसे पूछ रहे हैं। और ये मार्केट में जहां अच्छी अंडर वैल्यूड कंपनीज भी नीचे जा रही हैं, सोच लिए। पहली बात तो जैसे आप देखिए हुंडई का आईपीओ आया, अच्छी कंपनी, मैंने वो आईपीओ में अप्लाई किया और आईपीओ आने के बाद अब हुंडई थोड़ी सी नीचे आई है, मैंने और खरीदा क्योंकि वो अंडर वैल्यूड कंपनी है, उसका टारगेट ऊपर का है। लगभग 4,000 रुपए का टारगेट मुझे मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से दिखता है। आप भी ये कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। पहली चीज जो किसी भी बिजनेस का आधार बनती है कि उसके नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अब स्विगी के नेट प्रॉफिट तो घट रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, कभी बदल गई तो जो है वो भी जीरो हो जाएगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अभी आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा एक ज्यादा बेटर बिजनेस मॉडल लेके सामने आ जाए। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो काफी लोग करेंगे, मैंने जिंदगी में लिस्टिंग गेन्स के लिए कभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना जुआ खेलने जैसा होता है और मेरे पिताजी ने मुझे बताया था बेटा जुआ खेलना अच्छा नहीं होता है। और उसका जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से तो उसमें 1 रुपया डालने जैसा नहीं है, तो मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा, आपकी मर्जी।